नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। गोपाल कांडा, सिरसा की राजनीति का जाना पहचाना नाम। 2019 विधानसभा चुनाव में कांडा जीत चुके हैं और समर्थन देकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कांडा द्वारा समर्थन के ऐलान के बाद से ही हंगामा शुरू हो चुका है। इस हंगामे के पीछे की वजह से कांडा का विवादित इतिहास, इसमें उन पर कई तरह के आरोप हैं, जिसमें से प्रमुख हैं गीतिका नाम की एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाना। यहां 7 साल पुराना वह मामला क्या है जिसकी वजह से कांडा आज भी बदनाम है। कांडा की एक एयरलाइंस कंपनी थी, नाम था मुरलीधर लखराम या MDLR कंपनी। इस कंपनी में ही गीतिका शर्मा नाम की एयर होस्टेस काम किया करती थी। 5 अगस्त 2012 में गीतिका ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने सुसाइड नोट देखा जिसमें गोपाल कांडा का नाम था, जिसने हंगामा मचा दिया। कांडा पर आरोप था कि उन्होंने एयर होस्टेस गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाया। अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने ही कांडा पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए थे, इसमें शोषण और गलत इस्तेमाल प्रमुख था। गीतिका की मौत को अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते थे। कांडा जेल में था तब ही गीतिका की मां ने भी सुसाइड कर लिया। उनके सुसाइड नोट में भी कांडा और उनके साथियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। फिर करीब 1.5 साल बाद मार्च 2014 में उन्हें जमानत मिल गई। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर से रेप का चार्ज हटा दिया था। हालांकि गीतिका सुसाइड केस में उन पर ट्रायल चलता रहा, जो अभी भी जारी है। अब ट्रायल कोर्ट में सबूत रखे जा रहे हैं। मां के सुसाइड केस वाला मामला भी कोर्ट में है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी सेवाएं, आपके उत्पाद, गुणवत्ता और योजनाओं के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान या हो कोई संस्थान, जुड़े जनता से वैश्य व्यापार के साथ, संपर्क करें वैश्य व्यापार के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गीतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई दरिंदगी की बातें सामने आई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक गीतिका के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक मौत से 48 से 72 घंटे पहले भी गीतिका से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यह भी सामने आया था कि गीतिका कई बार प्रेग्नेंट हुई थी और बार बार उनका अबॉर्शन कराया गया था। करीब 17 साल की उम्र में गीतिका को MDLR कंपनी या यू कहे कि कांडा ने एयर होस्टेस के लिए सिलेक्ट कर लिया था। उस वक्त MDLR एयरलाइंस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही और बॉलीवुड एक्ट्रेस नुपुर मेहता ने इसका खुलासा किया था। नुपुर ने बताया था कि गीतिका शर्मा जब एयर होस्टेस की नौकरी पाने के लिए MDLR एयरलाइंस ऑफिस पहुंची थी, उस समय वह नाबालिग थी। गीतिका को जॉब देने के लिए मना कर दिया गया था, मगर यह इंटरव्यू कांडा अपने रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से देख रहा था। उसने फोन करके गीतिका को नौकरी पर रखने के लिए कहा। कांडा से कहा भी गया कि वह नाबालिग है, मगर कांडा ने कहा कि 6 महीने में यह बालिग हो जाएंगी, इतने समय के लिए उसे ट्रेनिंग में रखो। कांडा पर हमेशा एयरलाइंस के अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में एयर होस्टेस वाले विंग को अधिक तवज्जो देने के आरोप भी लगे। नुपुर ने कहा था कि कांडा खुद लड़कियों की ड्रेस और शूज तक सिलेक्ट करते थे। नुपुर ने बताया था कि शुरुआत में कांडा ने गीतिका का जन्मदिन भी अपने फार्म हाउस पर मनाया था। गीतिका के सिर पर घुमाकर नोटों की गड्डी भी उड़ाई गई थी। उस वक्त गीतिका बहुत खुश रहती थी, मगर
बाद में वह तनाव में रहने लगी। नुपुर ने मई 2006 में MDLR एयरलाइंस को ज्वाइन किया था और अगस्त 2008 में उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई चली गई थी। गीतिका के सुसाइड के बाद कांडा 10 दिन तक गायब रहे और जब सामने आए तो सारे आरोपों को नकारने लगे। मामला बढ़ता देख उन्हें सरेंडर कर दिया। तब उन्हें रेप, सुसाइड के लिए उकसाना, साजिश रचने जैसे अपराधों के चार्ज लगाकर अरेस्ट किया गया था। उस वक्त हुड्डा सरकार में मंत्री थे जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जेल से आकर गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित नाम की पार्टी बनाई थी। इससे वह सिरसा से ही 2014 का विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे लेकिन तब उन्हें INLD के मक्खनलाल सिंगल ने हरा दिया था। इससे पहले कांडा ने 2009 में भी चुनाव लड़ा था, तब वह सिरसा सीट से जीत भी गए थे। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।